कुमकुम देवी। पाँव में आपको क्या हुआ हुआ है? पोलिया मारा। पोलिया मारा है, कब से हो गया? बचपन से। बचपन तीन साल के थे तो। और फैमिली में ये कौन हुआ? पति। आप क्या करते हैं भैया? वही रोज उज में मिल जाता है काम, तो चले जाते हैं, नहीं तो रिक्शा चला लेते हैं। अच्छा, रिक्शा आपका है खुद का? नहीं, अपना नहीं है, वही भाड़ा पर लेते हैं तो 75 रुपया ले लेता है। भाड़ा पे रिक्शा लेके चलाते हैं, 100-200 रुपया कमाते हैं, 75 रुपया उसी को दे देते हैं। और बाल बच्चे भी हैं? बस एक लड़का है, 2 लड़की है, तो दोनों लड़की को सर सुराजी शादी कर दिए, फ्री में लड़का मिल गया तो कर दिए। शादी हो गई बच्चे जी? एक बच्चे आपके और हैं जी। कुछ करना चाहती हैं? हाँ, करना चाहते हैं भैया आप? वही जी हाँ, हम भी तो कुछ करना ही चाहते हैं कि छोटा मोटा दुकान करके अपना बैठ जाए, जो चाय बिस्कुट बेच के घर परवरिश चल जाए, और क्या। चाय बिस्किट की दुकान भी आपकी खुल जाए जी, जी, तो उसकी आपका थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा जी जी। और आप, आपके फैमिली में और कौन कौन है? माता जी हैं। माता जी कहाँ रहते हैं? सामने दुकान में है। 22 बरस से हम इन लोग को छोड़ के रहे, सर गुजरे हैं। राम, बहुत राम जी 14 बरस छोड़े थे, 22 बरस छोड़े। किराया हमसे नहीं भराया, तब यहाँ पर मजबूरी में हमको आना पड़ा। अच्छा। इतना तकलीफ से हम गुजरे हैं, आप सोचते हैं कि अब हमको तकलीफ ना हो गए। अच्छा। गरीबी से हम इतना गरीबी से छा दिए ना कि रोना पड़ रहा है, बहुत रोए हैं। अच्छा। तब आपको सर हम हाथ दे करके तब रुकाए हैं यहाँ पर, कि क्या बात है कि सर हमसे बात नहीं। पैर देख रहे हैं सर, पैर से भी हम इतना लाचार हैं कि कहीं जा नहीं पा रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। बहुत तकलीफ में, बहुत तकलीफ में, इतना तकलीफ में कि आप हम आपको क्या क्या बताएं ना। आपके आंखों में भी आंसू आ रहे हैं, बहुत तकलीफ में। माँ मर गई थी और तकलीफ में हो गया। आप कुछ करना चाहती हैं? करना चाहते हैं सर, रोड पर आ गए हम तो, हमको तो जिंदगी कट रहा है जैसे तैसे। एक बच्चा को लिए हमको सोचे हैं कि अब बच्चा को कैसे हम कहाँ पर भेजाए, कैसे रखे, इसको कैसे जिंदगी कटे, इसी के लिए हमको खाली टेंशन है बस। और आपकी तकलीफों को हम देख सकते हैं कि आपके आंखों में भी आंसू आ रही है, लेकिन आप मेहनत करना चाहती हैं? हाँ, आपको मान लीजिए यहीं पे छोटा मोटा रोजगार हम लोग करवा दे तो आप करिएगा? कर लेंगे, कर लीजिएगा। हाँ सर, कर लेंगे, किए हुए हैं सर, बहुत किए हुए हैं। एक पैर पर ठहरा होकर बेचते थे, एक पाँव पे। हाँ, 3 बजे ठहरा होते थे, 9 बजे रात में बेचते, 3 बजे सुबह में। हाँ, सुबह और 9 बजे रात में। आप एक ऐसा रोजगार कीजिए जो डेली वाला रोजगार हो, चाय वाय का दुकान खोल सकती हैं, अभी गर्मी का दिन है, सत्तू का भी आप दुकान कर सकती हैं। हाँ, वो ये सब करें। चाय बना सकती हैं? हाँ, चाय बना सकती हैं, चाय तो आप दे ही सकते हैं। हाँ, चाय दे सकते हैं, सत्तू भी बना ही सकती हैं, सब कर सकते हैं, कर सकती हैं। के ऊपर विश्वास कुछ था सर, तब ना हम गाड़ी रोकाए हैं। अच्छा। क्या बात है सर कि हमसे पूछे नहीं, और दो सर चल पड़े, तब हम हाथ दिए हैं ना आपको कि सर आप पहले रुकिए, तो वहाँ पर जाके आप रुके, आप भी कुछ सोचे तब ना रुके। नहीं, हम आपको देखें कि आप कुछ मुसीबत में हैं, कुछ बोलना चाह रही हैं, इसीलिए रुके, तो हम आपकी कुछ हेल्प करेंगे। दुकान करना चाहती हैं ना? हाँ सर, दुकान कर। ठीक है, तो हम आपके लिए देखते हैं। अभी हम फिलहाल कोशिश करेंगे छोटा सा रोजगार आपको जरूर दें, और उसे देखने के लिए हम लोग फिर आपके पास आएंगे भी, और आपसे मिलने भी आएंगे, इससे भी मिलने आएंगे, आपके बच्चे से भी। अगर आपके में इम्प्रूवमेंट देखेंगे तो उस समय भी आपकी हेल्प जरूर करेंगे। हम आपके पास बुधवार को आएंगे, ये जो बुधवार आएगा रामनवमी कब है? बीफे को है, बीफे को है, हम अष्टमी को आएंगे, नौमी के एक दिन पहले। जी जी, ठीक है, आठवीं के दिन आएंगे, सुबह में आएंगे, 5 से 6 बजे के बीच में आएंगे। जी जी, जैसे आ जाने वही बात। ठीक है दीदी, आपके पास मिलेंगे। माता जी आशीर्वाद दीजिए कि हम लोग ऐसे ही आप लोग की मदद करें। दोस्तों, हमारी टीम ने उनके दुकान के लिए सामान ले चुकी है, चलिए उनको सरप्राइज करते हैं और उनके चेहरे पे स्माइल आते हैं। भैया है क्या? आइए ना सर। अच्छा, दीदी बैठे में, आइए आइए, आप लोग भी सर बैठिए। नहीं कोई मत, गरीब का कुटिया में। नहीं नहीं सब, देखिएगा सर ऊपर चोट भी लग जाएगा। नहीं नहीं ठीक है, आ जाओ। ऐसा है भैया, आपने कहा था कि हम, और दीदी ने कहा था कि हम अपने बच्चे के लिए मेहनत करना चाहते हैं, कुछ रोजगार हमारे को दे दीजिएगा तो हम उससे आगे
बढ़ेंगे, आगे बढ़ के काम करना चाहते हैं। भैया हम ऐसा है, हमारी टीम आपके लिए एक नया रोजगार लाई है और हम चाहेंगे कि आप उस पूरी ईमानदारी से करें। जी, आपका एहसान है, उस एहसान को हम कैसे भूलेंगे। दोनों आदमी मिल के काम करें तो अच्छा रहेगा। कैसा लगा भैया? बहुत बढ़िया लगा। बढ़िया दीदी, ये लीजिए, ये आपका बोनी का पैसा है, हम लोग करा रहे हैं। भैया अपने काम में हैं, दुकान खुल चुकी है भैया की और आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे ये अपने काम में लग चुके हैं। रोटी जी क्या इतने कर दिए थे बहुत हो गया, अब इनसे आगे बढ़ना ना बढ़ना इनके ऊपर है। हाँ, कम इतना नहीं हो गया, वो छोटे मोटे को रोजी रोटी न हो गया कि वो दीदी जो हैं काफ़ी दिक्कत में अपना बताई थी और वो बच्चे को काफ़ी अच्छा एजुकेशन पढ़ाई के लिए सोच रही हैं। और दीदी ऐसे ही आप बैठ के मेहनत कर सकती हैं क्योंकि आप पहले काम की भी हैं। बेतरा का आपके एक रोजगार हम लोगों ने दिया है तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। हाँ, भैया अपने काम में इतना कर रहे हैं। लीजिए माता जी, बस आप लोग से यही अनुरोध है कि अगर आपको कोई भी कुछ भी पीना हो तो भैया के पास जरूर आइए, वह तकलीफ में है। बस कोई नहीं है, 5 रुपये का चाय आता है भैया, वही 5 रुपये से इनका बहुत होगा, बहुत हेल्प हो जाएगी। ठीक है भैया, माता जी आशीर्वाद। दोस्तों दुकान खुली है और भैया लोग, लोकल भैया लोग इनकी मदद कर रहे हैं। सत्तू का अच्छा चलेगा इनका? हाँ, हाँ, तो यहाँ खुल गया तो यहाँ भी आप पी सकते हैं। देखिए आपके यहाँ, यहाँ पे जो क्राउड है, यहाँ पे कोई दुकान थी नहीं और यहाँ पे हमने ये दुकान दिया तो यहाँ पे आप बढ़ सकते हैं। बढ़िए आगे, आपका मैं शुक्रगुजार हूँ। बस आपको जो दिए हैं आशीर्वाद देते रहिए आप अपनी टीम से कि हम आगे मुहे बढ़े। हमारा सिर्फ है आपका मेहनत, बस आपका मेहनत जो कराएगा वो कराएगा। आप में लगा कि आप आगे बढ़ने के काबिल हैं, अपने बच्चे के लिए सोच रहे हैं तो आपकी मदद की गई है, बाकी आपकी पे ही डिपेंड है दीदी, आप आगे बढ़िए। जब मिलेंगे दोस्तों, आप ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिनसे कि ऐसी फैमिली की हम लोग और मदद कर पाएँ। दीदी की मुस्कान के संग दीदी के चेहरे पे खुशी आ गई कि इन पे एक नया रोजगार मिल गया, भैया के चेहरे पे भी हंसी है। तो बस यही चाहती है टीम बीबीएफ कि किसी के एक ऐसा रोजगार हम लोग दिए कि इनके परिवार अच्छा चल सके। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, मैं सौरभ कुमार टीम बीबीएफ से, जय हिंद, चलते हैं।